पता चल रहा है कि आपसे मिलने आई हैं। नहीं, मिलने मिलने नहीं आई हूं। मुझे पता चला है कि आप यहां पर लोगों की मुश्किलात हल करते हैं, तो मैं अपना भी एक मसला लेकर आई हूं। बोलिए, क्या मुश्किल है? एक बंदा घूम गया मखदूम साहब, उसको ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं आपका, मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं। और मैं यहां रुकने भी नहीं आई हूं, पर पता है एक सवाल है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। सवाल का जवाब मैं आपसे मांगने आई हूं, आप देंगे मुझे सवाल का जवाब मखदूम साहब? पूछिए, सुन रहा हूं। सीरियसली सीरियसली कबीर, लुक एट मी कबीर। गॉड, तशरीफ लाए। इधर आए। खान साहब, जूतियां तो उतार दें, नाराज ही ना हो जाएं ये लोग। हाँ तो बड़ा बुरा है। सर्दी बेटे बस गर्म वापस रख। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बैठे ना प्लीज, तशरीफ रखें। सर नीचे क्यों बैठ रहे हैं आप? ऊपर बैठे ना प्लीज। सर को सर बैठे ना जी। जी बैठे जी। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं पहुंचता है? नहीं नहीं सर, कहा वो दिक्कत कैसी थी? करो
हीरा मुर्शिद, आपके वाले साहब का कल ही पता चला। पहले पता होता तो उसी वक्त आ जाते। वो बड़ा ही दुख हुआ है। वो अल्लाह ताला आपको सबर अता फरमाए और पूरे अल्लाह ताला वो करम कर दे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाक रहम से कर दे अल्लाह। आमीन। हाँ जी, बाप का साया बड़ी चीज़ होती है। हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह आपको हिम्मत दे। आमीन आमीन। पीरा मुर्शिद, कुछ पता चला उन बंदों के बारे में? अंकल, आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र है बोला अल्लाह करो करे सरकार, वो दुआएं आपकी, आपके आपके साये दिला। वो ज़ारा जी, ज़ारा मेहमान खाने में। ठीक है ना वो? जी जी ठीक है, बल्कि वो आपको बेहतर बता सकेंगी, वो हमारी तो मुलाकात नहीं हुई उनसे। वो तो इतने दिनों की इधर आई हुई है, आप लोगों की बात ही नहीं हुई अभी तक। जी दरअसल मैं कल रात ही इस्लामाबाद से वापस आया हूँ, काफ़ी देर हो चुकी थी तो मौका नहीं मिला बात करने का उनसे, इसलिए। तो ज़ारा को बुला ले, वो मिलने ही नहीं आई हमें। जी जी, आप कुछ खा पी लेना तो आपको मिलवा देते हैं ज़ारा जी से भी। वो सरकार, वो तो वो दो दिन से बात नहीं हुई थी ना जी, और फोन भी उसका बंद जा रहा था जी, तो वो परेशानी बढ़ती जा रही थी। तो फिर सरकार वो ये अपना सुरेयारा साहब जौहरी, अली अहमद जौहरी, शायद पहचानते हो। ऑफ कोर्स। जी जी, ये हमें यहाँ ले आया जी सरकार। पहले तो हम बहुत परेशान थे, लेकिन जब पता चला कि वो यहाँ है तो फिर हमें सुकून हो गया कि चलो अपने ही घर है। मैं माजरत खाऊं, दरअसल मुझे इतला नहीं दी गई थी कि आप लोग आ रहे हैं, और कुछ मसरूफियात हैं जो पहले से ही तयशुदा थी, तो अभी मैं आपको वक्त नहीं दे सकूंगा, मगर बाद में इंशाल्लाह। अब हीरा मुर्शिद, माजरत की क्या बात है, हमें अंदाजा है आप कितने मसरूफ आदमी हैं। खैर बात, सरकार ज़ारा से मिल रहा है जी। सकीना, सकीना जी। साईं, इनको ज़ारा जी से मिलवा दीजिए। जी बेहतर साईं। मैं इजाज़त लेता हूँ। बैठे बैठे प्लीज। अरे प्लीज 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 ऐसे नहीं करें, बैठे प्लीज। माजरत एक दफ़ा फिर से, मैं बाद में मुलाकात होती है। सिकंदर बख्श जी। सही, ये मेरी फैमिली की तरह है, उनके खातिर मदारत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सही, तुम समझो कि मेहमान खाने में मैं रह रहा हूँ, ये लोग घर में रह रहे हैं, कोई शिकायत ना है। आप बेफिक्र हो जाए सही, आज ये लोग आराम कर रहे हैं, कल उन्हें इलाका दिखाओ, घुमाओ फिराओ, मैं नहीं हूँगा।
जाना है मुझे। मेरी कमी महसूस ना हो मैंने। जैसा आपका हुक्म सही। वो अंदर एक जोरी साहब है, सकीना को कह दें कि उन्हें बाहर भेज दें। जी बेहतर सही। हाय, मैं तो उस वक्त से यही सोचे जा रही हूँ, कबीर इतने बड़े घर का बेटा है और हमारे घर में कैसे छोटे से मूढ़े पे बैठा हुआ था। हाँ कसम से, पता नहीं हमारा घर देखकर क्या सोचता होगा। हिना इधर आओ। बिटिया, मुर्शिद बड़े खानदानी आदमी है, तुमने देखा नहीं उन्होंने कितनी प्यार मोहब्बत और शफ़क़त के साथ हमारे साथ सलूक किया। हाँ हाँ पुत्र जी, दरवेशों के बच्चे हैं वो, दरवेशों के। पर अब्बा जी, उसने उन्होंने सब कुछ छुपाया क्यों था हमसे? पुत्र, तूने तो हमारी जान ही निकाल ली थी। तुझे पता है, दो दिन से एक भी सेकंड के लिए हम सुकून से नहीं बैठे। शुक्र है मेरी बच्ची ठीक है। पुत्री, ये किया क्या है तूने? हमें बता तो देती, सब कितने परेशान थे। हम तेरे कुछ नहीं लगते। और तुम्हारा फोन वो क्यों बन जा रहा था है? हमें तो जब से पता चला ना तुम यहाँ हो, हम फौरन निकल आए। तो अगर पता चली गया तो रुक जाते। क्यों पुत्र, क्यों रुक जाते हम? पुत्र, हम बड़े परेशान थे, हम कैसे रुक जाते? अगर परेशान थे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी के घर मुंह उठाकर चले आए। किसी के भी घर? हाँ, मुंह उठा के। अभी से कितनी ओपरी हो रही है। वो पुत्र जी, मैंने तो कहा था कि मैं और वो वसीम आ जाते हैं, वो फिर वो पुत्र तुम्हारी मामी भी जिद करना शुरू हो गई, फिर पुत्र मुझसे इनकार नहीं हुआ ना पुत्र। और फिर छोटी मामी, फिर छोटे मामू, फिर ये राजू, ये हिना और ये दानिश। परेशान तो सभी थे, तुझे मारा आना अच्छा नहीं लगा तो चले जाते हैं। चल राजू। नो 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 नो, स्टॉप स्टॉप, लेट्स मेक इट लेस ड्रामेटिक। अब आप लोग यहाँ आ गए, मैं बिल्कुल क्लूलेस हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या करना है, तो इसीलिए अभी रेस्ट करें। हाँ, आप लोग यहां पर नहीं रह सकते, ये कंफर्म है। बस अभी के लिए बस रेस्ट करें पुत्र। लेकिन वैसे ये अमीरों के भी ना कैसे कैसे शौक होते हैं। सही बात है, बंदा अमीर हो ना तो फिर ऐसा हो, ये नहीं कि सारी जिंदगी चीजें इकट्ठी करते रहो और आखिर में इस्तेमाल करने से पहले ही मर जाओ। सोच, अगर मेहमान खाना ऐसा शानदार है तो कबीर का कमरा कैसा होगा। वो बचपन में हम पढ़ते थे ना अल्लड़ बल्लड़ बावेदा, उसमें था ना सोने दे दरवाजे दे चांदी दियां पौड़ियां, ऐसा ही कुछ होना है मुझे लगता है। हाय हाय हाय, वाह सोने है रब्बा, हमें भी किसी पीर के घर में पैदा कर देता। वैसे ये सारे पीर ऐसे ही अमीर होते हैं? हाँ, मैंने तो जितने भी पीर देखे हैं सारे ऐसे अमीर थे। बाहर के मुल्कों में भी पीर फकीर होते होंगे कि नहीं? बाहर का पता नहीं, कभी सुना तो नहीं कि फलां पीर का मजार जो है वो अमरीका में हो या फलां पीर का लंदन में। अल्लाह अपने नेक बंदे जो है ना वो उस तरफ नहीं भेजता। नेक लोग तो दुनिया में हर जगह ही होते हैं। हाँ, लेकिन इस मुल्क पे तो अल्लाह की खास रहमत है ना, इसलिए। वैसे अच्छा हुआ ना हम भी साथ ही आ गए, मुझे तो लग रहा है अब मेरा हनीमून शुरू हुआ है। ऐसे तो ना कहो ही ना, पिंड में तुम्हें कितनी सैर कराई थी मैंने। रहने दे राजू, मेरा मुंह ना खुलवा पिंड में। अच्छा नाराज तो ना हो, मैं ये सोच रहा था कि अब जारा तो हमें मिल गई है, तो क्या आज ही वापस चले जाएंगे हम? ऐमी चले जाएंगे, सुना नहीं था कबीर ने क्या कहा है कि आपका अपना ही घर है, जितने दिन मर्जी रहे। हाँ है तो सही, अब तो हमारा अपना ही घर है। क्या बात है पुत्र, तू क्यों इतनी परेशान है? मामी मैं परेशान नहीं हूँ। बेसिकली मैं जो यहाँ करने आई थी ना वो ये था, मैं कभी से आखिरी दफ़ा मिलने आई थी यहाँ पर, यू नो, टू एंड इट। कैसी बातें कर रही है, क्यों ख़त्म करना है? इतना अच्छा लड़का है पुत्र, इतना अच्छा घर बार है उसका, और हम सब से कितनी इज्जत से मिला है वो। तो जो इज्जत से मिलता है उसके आप लोग घर में सब टब्बर जाके टिक जाता है। ओ पुत्र, कैसी बातें कर रही है,
को बात तो बता रहा, क्या बात है पुत्री? अगर तू हमारी वजह से परेशान है तो हम वापस चले जाते हैं। क्या 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 बात कर रहे हैं? आपकी वजह से कभी परेशानी हुई है मुझे मामू? आप लोग तो हमेशा मेरा भला ही चाहते हैं ना। हाँ तो और क्या? कोई बात है तो बता भे। जब से अब आया बेटा तुम उखड़ी उखड़ी सी हो हमारे साथ। मुझे मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। अगर तू अगर मैं समझाएगी नहीं, हमसे बात नहीं करेगी तो हमको बात कैसे समझ आएगी? क्या कबीर ने तुझसे कुछ कहा है या उसके घर वालों ने? अच्छा लेट्स ट्राई दिस। मामी जो लग रहा है ना वो हकीकत नहीं है, और जो बात है वो हकीकत है नहीं। मतलब मैं बेसिकली यहाँ पर कबीर के साथ घर बसाने यू नो वो करने नहीं आई थी। सब मैं यहाँ आई हूँ बेस। मैं क्या बताऊँ। वो झूले ले रहे हैं वहाँ दोनों, मतलब वो हाथ पकड़ा मैंने उन्होंने, आप देख रहे हैं, और ये जूस आप लोग पी रहे हैं, तो मैं क्या बताऊँ? रात को कढ़ाई गोश्त बनेगा वो भी खाइएगा। ऑब्वियसली पिकनिक के लिए आया ना, सब पिकनिक मनाया, व्हाट गोस ऑफ योर फादर? उधर हमने ऐसा क्या कर दिया है? अब क्या तुझे ढूंढने भी ना आते हम? ऑफ कोर्स ढूंढने आएंगे। देखिए मामी मैं मिल गई, तसल्ली हो गई है ना। अब आप सब यहाँ से जाएं, सब जाएं प्लीज। ओ बेटा वो क्या बात कर रही है? वो जिनके घर आए हुए है, घर वालों को मिले बगैर चले गए पुत्र, तो कितनी बुरी बात है। हाँ अभी तो हमने उसकी माँ से अफसोस भी नहीं किया। इद्दत पूरी हो गई होगी उसकी? पता नहीं, नौकरानी से पूछ लेना। हाँ पूछती हूँ मैं। पुत्र अगर हम ऐसे ही चले गए तो कबीर क्या सोचेगा? मजे की बात यह है मामी कि कबीर कुछ सोचता ही नहीं है, ना आपके बारे में ना मेरे बारे में, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप सब यहाँ से जाएं, ताकि मैं अपना मसला अपने तरीके से डील कर सकूं। सुबह नाश्ते से पहले आप सब वापसी की तैयारी पकड़ लें। बस नाना मियाँ इसके ऊपर और कोई बात नहीं हो सकती, और इनको तो झूले से उतारो यार। क्या सोच रहे? कुछ नहीं। कुछ तो बोल, जब से है खामोश है। क्या बोलूं? मैं यहां आया तो यही सोच के था कि जैसे ही तू मेरे सामने आएगा तुझे तो मैं बस, तो यहां आकर सारा माहौल देखा, तेरे गार्ड्स देखे, इरादा बदल लिया मैंने। बनता है तेरा गुस्सा होना भी बनता है। खाली तू नहीं है, पता नहीं कितने लोगों को गुस्सा है मुझ पर, इसलिए डिसाइड कर लिया था कि पिछली जिंदगी के जितने लोग हैं उनसे अब नहीं मिलूंगा। समझ आती है, तेरे साथ जो हुआ वो बहुत ट्रैजिक था, पर तू हमें भी तो बता सकता था। हाँ हम दोस्त थे तेरे, जब वापस ही नहीं आना था तो बता के क्या करना था। तो समझ के जिस दिन बाबा गए उस दिन रैपर भी चला गया।
मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ कबीर, लेकिन कोई नहीं समझ सकता। सबको ये चीजें नजर आती हैं, गार्ड्स, गाड़ियाँ, घर, अयाशी। बचपन से ये सुनता आ रहा हूँ, तो तुम्हारे भी मसले हो सकते हैं। तुम्हारे पास सब कुछ है, जो चाहे कर सकते हो, जो चाहे बन सकते हो। याद है हम कैसे थोड़े थोड़े पैसों के लिए ब्रांड्स के पीछे ख्वार हुआ करते थे? मुझे पहले पता होता ना तू इतना अमीर है तो मैंने कैफे को कहां से कहां पहुंचा देना। तुझे किस तरह पता चला मेरा? यार विकी ने, लेकिन प्लीज उसे कुछ मत कहना, उसकी गलती नहीं है। असल में जारा के घर वाले मुझ पर और विकी पर जारा के अगवा की FIR कटवाने लगे थे, इसलिए मजबूरन विकी को बताना पड़ा। तो अब क्या प्लान है, करना क्या? सही, तैयारी मुकम्मल है। करने को तो बहुत कुछ है, फिलहाल पंचायत पे जाना है, एक शाम को मिलते हैं। मुझे तो जारा की समझ नहीं आ रही, अब इस बुढ़ापे में मुझे और कितना को खार कराएगी। नहीं तो अब मसला क्या है, सारा कुछ तो मिल गया है। सही कह रही है। अप्पा जी मैं भी वही कह रही थी कि इतना अच्छा लड़का है। हाँ, अल्लाह करे शादी कराएंगे, यहाँ आ जाए जारा। ये जो स्टेज, कॉमेडी, कैफे, इनसे तो चार छूटे हुआ। नहीं तो अगर कबीर शादी के लिए ना मान रहा हुआ तो? ऐसा होता तो वो मैं अपने घर क्यों ठहराता फिर? वो घर से थोड़ी निकालेगा, अब इतनी समझ तो है ना उसमें। लेकिन कोई ना कोई मसला है जरूर, अभी तक उसके घर वाले भी हमसे मिलने नहीं आए। सही कह रही है। भाई बड़े लोग हैं, मसरूफ होंगे। ले भाभी ऐसी भी क्या मसरूफियत कि बंदा घर आए मेहमान से भी ना मिले। तो जारा पुत्री हमें कुछ बताती भी नहीं है। नहीं तो हम खाली मेहमान थोड़ी हैं, हम कबीर के ससुरालिये भी तो हैं। बिल्कुल सही कह रही है। ओ पुत्र हमें पता है क्या सही कह रही है और क्या गलत कह रही। हमें तो ये भी नहीं पता कि इसके घर में कौन कौन है, कितने भाई बहन हैं, कुछ भी तो नहीं पता। मुझे लगता है कि ना कबीर की माँ को कोई मसला होना है और वो ना मान नहीं रही होगी। मखदूम कबीर साईं की वालदा बीबी साईं आप लोगों से मिलने आ रही हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुमसलाम। मैं कबीर की वालदा, कैसे हैं आप लोग? शुक्र 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 मौला का सरकार, मौला का शुक्र। कबीर ने बताया था मुझे, लेकिन माजरत मिलने में देर हो गई, दरअसल हमारी मसरूफियात ही ऐसी हैं, इलाके के छोटे से छोटे मसले के लिए भी हमसे बात की जाती है। नहीं जी कोई बात नहीं जी, हमें अंदाज़ा है आपकी मसरूफियत का। आप लोग कंफर्टेबल हैं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? असल में
पहले से आप लोगों के आने की इत्तला होती तो सारे इंतजामात मैं खुद करवाती। बीबी साइन, अभी भी इस चीज की कमी नहीं है जी? नहीं नहीं, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, ज़ारा ने भी जिक्र नहीं किया। जी जी सरकार, वो बस वो ज़ारा का वो फोन गुम हो गया था जी, तो वो बात नहीं हो रही थी, हम सरकार परेशान हो गए, बस वो परेशानी में ही सारे निकल आए जी। फोन तो मिल गया है, और परेशानी कैसी? ये ज़ारा का अपना घर है। हाँ सरकार, मखदूम साहब का बड़ा अफसोस हुआ है सरकार, बस वो कबीर साहब ने उस वक्त बताया नहीं जी, वरना उसी वक्त हाजिर हो जाते सरकार, बड़े ही अफसोस हुआ है बड़े सरकार का जी। ये बहुत बड़ा सानहा था मेरे लिए, हमें तो अभी यकीन नहीं हो रहा। अल्लाह आपको सब्र दे जी, और कबीर को भी अल्लाह सब्र और सलामती दे, आपका साया उसके सर पे हमेशा सलामत रखे अल्लाह। आमीन। आप लोग कबीर के मेहमान हैं, सिर्फ ये घर नहीं हमारा पूरा इलाका आपका घर है, आप लोगों ने किसी किस्म का कोई तकल्लुफ नहीं करना। बड़ी मेहरबानी सरकार, बड़ी मेहरबानी सरकार। इजाज़त दीजिए, अब कोई भी काम हो तो आपके लिए सब मुलाजिम मौजूद हैं। सरकार अब खुद मुलाजिम है सरकार के, अब खुद मुलाजिम, खुद मुलाजिम है सरकार। खुदा हाफिज़। उन्होंने कहीं हमारी बातें तो नहीं सुन ली? थोड़ा और ऊंची बोलना था ना, लगता है उसकी मैके कोई मसला है। मुझे क्या पता था कि वो उसी टाइम आ जाएंगी, वैसे ना कपड़े कितने प्यारे पहने हुए थे उन्होंने, है ना? बुंदे भी देखे। तो कपड़ों को छोड़ पुत्र, ये देख जरा के कैसे खानदानी लोग हैं, हमें भी इज्जत से कह रहे हैं कि वो बात रचाते हैं, हम आपको वक्त नहीं दे सकते। हाँ तो देना वक्त, पहले बेटा माजरत करके निकल गया, अब माँ निकल गई है। सही कह रही है। और नहीं नहीं, कोई गल नहीं भी सही कह रही। अब्बा जी आपने सुने कि क्या कहा उन्होंने? क्या? कि ये ज़ारा का अपना ही घर है। माशाल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो आपको। गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खड़ा करना कितना टाइम लगेगा? सही 2 महीने लग जाएंगे। कबीर, व्हाट? आई बीन ट्राइंग टू टॉक टू यू, आई बीन हेयर सिंस द पास्ट 2 डेज, यू नो दिस राइट? You can't ignore me like this. I want to talk to you. Can we talk right now? I want to talk. Whatever conversation you want to have, you can let Sakina know and she'll pass me the message. Huh? We will talk inside. Not outside, not like this, not in front of everyone. So please, next time, be careful. And just go back inside. नाना मिया, ये सब कहाँ गए? उधर वो खाना खाने के बाद मुलाजमो के साथ गए हैं जरा सैर करने के लिए। सैर करने गए? हाँ। जब ये अपनी सैर से वापस आ जाएं
तो इनको अपनी जबान में बता दें कि सुबह हमने जल्दी निकलना है तो पैकिंग कर लें। ओ मगर पुत्र अभी तो अब कबीर शाह साहब से अच्छी तरह मिले भी नहीं। किसी से नहीं मिलना मिलना हमने हमने सुबह जाना है, ये बात इन सबको बता दें, पैकिंग कर लें अपनी। पुत्र कुछ बताओ अभी तो सही ना अभी, बाद में तुम कहती हो कि आपने वो कर दिया आपने ये कर दिया। किसी को कुछ नहीं कहूंगी मैं, कम कहे को ज्यादा समझे। हम सुबह निकल रहे हैं बस। सुने, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अपने कबीर साईं से कहें कि मुझे आज हर हाल में निकलना है, तो मुझसे किसी भी सूरत में अभी मिले। जी, आपका पैगाम पहुंच जाएगा। मुझे मजे की है। क्या अच्छी है? वैसे अफरीन, कितने अरसे के बाद हम इस तरह घूमने निकले हैं। पता है, दानिश के पैदा होने से पहले हम गए थे कहीं। हम इतने अरसे से कहीं निकले नहीं। नहीं, इतने साल गुजर गए, हम लोगों ने कभी एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं निकाला। सही कह रही हो, वहां ना तंग कमरों में रह रहे के हमारा दिमाग ही बंद हो गया। हाँ, ऐसे सलीम जी। हाँ जी। कितनी अजीब सी बात है ना, लोग गांव से शहर आते हैं रौनक देखने के लिए, और शहर वाले गांव आते हैं सुकून की खातिर। है हाय हाय, आज तो बड़ी गहरी बातें कर रही हो। कुछ जगह का असर है और कुछ आपकी मोहब्बत का। अच्छा जी, तो शहर में मेरी मोहब्बत कम पड़ जाती है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस यहाँ खामोशी है ना, इस जगह का असर है। हाय, मेरा तो दिल करता है मैं यही रह जाऊँ। तो रह जाओ, तुम्हें किसने रोकना। नहीं नहीं, अब्बा जी लोग ढूंढ रहे होंगे, कह रहे होंगे कि सुबह सुबह कहाँ चले गए। चले आए, चलते हैं वापस। रुको ना, इधर आओ। क्या कह रही थी तुम? कुछ मौसम का असर है और कुछ मेरी मोहब्बत का। मजाक कर रही थी, सीरियस नहीं होते होते। सीरियस होने ही नहीं देती। अब मुझे आमों की चटनी बना के दो। चलो आ चलो। अरे वहाँ भी अंबियाँ लगी नहीं बहुत सारी, वहाँ से भी तो आनी है। ध्यान से हैं, पाँव ना मुड़ जा। ख्याल से वो तू भी ध्यान से। गांव की फिजा वैसे कितनी साफ सुथरी है। हाँ बिल्कुल, अपने पिंड की तरह। मतलब वहाँ भी तो ऐसी खेत थे ना हर जगह पे। रहन दे अपने पिंड को, वहाँ पूरा महीना रहे हैं, किसी ने मुंह नहीं लगाया, और यहाँ दो दिन में इतना खा लिया कि मुंह थक गया। हाँ ये बैठ जाते। ज़ारा शादी के बाद यहीं आ जाएगी ना? हाँ तो जाहिर है, और वैसे भी कबीर वहाँ लाहौर में खज्जली हो रहा था, यहाँ कैसे ठाट बाट है उसके।
मुझे नहीं यहाँ वाला कबीर पसंद आया, लाहौर वाला ज़्यादा प्यारा था। ले क्यों? नहीं वैसे ज़ारा यहाँ अकेली नहीं हो जाएगी, यहाँ तो उसकी जान पहचान वाला कोई बंदा भी नहीं है। हाँ ये तो है, लेकिन लड़कियों का तो यही होता है, एक ना एक दिन तो उनको अपने माँ बाप का घर छोड़ के जाना ही होता है। मैं तो नहीं गई, मैं तो अपने घर में ही एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई। वाह आप तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, इतनी खुशकिस्मत थी कि घर बैठे बैठे आपको खजाना मिल गया। मेरा मतलब है कि भूख भी लग रही है, घर चले आप। और वैसे भी ना यहाँ सांप वहाँ भी निकल आते हैं और खेतों में तो कुत्ते भी होते हैं, वही पड़ जाते हैं। यही सोचते रहना बस, कोई सांप मुझे काट ले, कुत्ता वड ले कोई मुझे आके। अल्लाह ना करे मैं क्यों ऐसा सोचूंगा, और कुत्ते की मजाल जो आपको आके काटे, उससे पहले मैं उसको नहीं काट लूंगा। वैसे ना मैं सोच रही हूँ कि ज़ारा जब यहाँ आएगी ना तो हम भी साथ ही आ जाएंगे, उसको भी ज़रा हौसला होगा, उसका कोई अपना है। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे? तो हम वहाँ क्या करते हैं? वहाँ अपना घर बार तो है ना, तो यहाँ घर बना लेंगे, इन्हीं खेतों में से कोई खेत मान लें, वहीं अपना घर भी बना लेंगे। हाँ ये ठीक है, हैं मैं फिर खेतों में काम किया करूँगा, और तू वो जैसे मुटियारे होती हैं ना वो खाना और लस्सी लेकर आती हैं, तू भी वैसे रहना, रहता और प्याज ज़रूर काट के लाना, उसके बगैर मज़ा नहीं आता। गाँव की वैसे ज़िंदगी कितनी प्यारी है। हाँ ये तो है,